अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से देखेंगे हुमैरा के किचन में नई रेसिपी। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो मैंने आज ये वाली सेवियाँ बनाई थी, आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शेयर करा था दो काफ़ी बार, इसलिए मैंने यूट्यूब दोबारा इस बार शेयर नहीं करा था। तो मेरा काम पूरा हो चुका है और मैंने चावल चढ़ा दिए हैं राइस कुकर पे, और जो काली मिर्ची का चार बनता है वो मैंने बना दिया। काली मिर्ची का साइड डिश चिकन फ्राई होता है, यानी तो कबाब फ्राई होता है या सूखा कबाब बनता है। आज ये वाला मैं बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिएगा चिल्ली पाउडर लिया है मैंने 1 1/2 स्पून, टर्मरिक छोटे स्पून से 1/4 स्पून, एंड कबाब मसाला मिलता है, ये किसी भी दुकान पे अवेलेबल है कबाब मसाला। अगर इससे कबाब मसाला नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे एवरेस्ट चिकन फ्राई मसाला डाल सकते हैं, या एवरेस्ट नहीं कुछ भी ब्रांड का डाल सकते हैं, एवरेस्ट सॉरी फ्राई मसाला डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लिया है गरम मसाला और काली मिर्ची थोड़ी सी ली है। यहाँ पे मैंने लिया है फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं, यानी तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, यहाँ टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट है, और यहाँ पे है कस्तूरी मेथी, और साथ ही साथ लिया है मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, बस इतना ही और कुछ नहीं। इसके साथ साथ हमें स्ट्रीट फूड का जो जायका बनता है वो वाला बन जाएगा, मतलब जो स्ट्रीट में हम कबाब खाते हैं लेके, उस तरह का बन जाएगा, जो रेस्टोरेंट पे कबाब फ्राई मिलता है उस तरीके का, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैं ये सारे ये कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ, बीफ को मैंने अच्छी तरह वॉश कर दिया, ये अभी गीला है, इसको ड्राई बिल्कुल नहीं हुआ है, गीला है इसमें, लेकिन पानी पूरा निकल गया, तो इसमें मैं पूरा मसाला ऐड कर देती हूँ, ये वाले पूरे मसाले इसमें मैं ऐड कर दूँगी, और साथ ही साथ ना थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे हम इसके ऊपर। यहाँ पे मैंने पूरा मसाला ऐड कर लिया, बस अब हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, लगभग 2 स्पून तेल डाल देंगे, और इसको अच्छे सा एक मिक्स देंगे, तो हाथ से ही मिक्स करिएगा, जब भी अच्छी तरह मैरिनेट होएगा मिक्स भी होएगा और मसाला हर तरफ लगेगा। ये चम्मच से करेंगे तो इतना अच्छा मिक्स नहीं होएगा, तो आप हाथ से करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मसाला लगा दिया और प्लेट की तरफ से इसको मैंने ले लिया है। अच्छा, मैंने फ्रीज का इसको फ्रीजर में रखना है 10 मिनट्स 15 मिनट्स तक। अगर आपको तुरंत फ्राई करना है तो इसको रख सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, या आपके पास टाइम है तो 10 to 15 मिनट्स रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल डाल लिया, इसलिए पानी का इस्तेमाल नहीं करा, ताकि ये पानी निकल के आ जाता है, तो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना ऑयल पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है, मसाला और बीफ जो है मिक्स हो जाता है, इसको पानी निकलने से नहीं होता, देखिएगा एकदम ड्राई है, तो इस वजह से मैं ऑयल डाल के मसाले के साथ मिक्स करती हूँ। अगर आप पानी का इस्तेमाल करेंगे तो जैसा मसाला है ना साइडों में से निकलने लग जाएगा, तो इतना टेस्ट नहीं बनेगा। तो ये वाला फ्राई कर लेंगे हम, 15 मिनट्स तक मेरे पास टाइम है, तो मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो जैसा मेरा कुकिंग का काम ख़त्म हुआ, मैंने यहाँ पे देखिएगा साफ़ सफाई भी कर दी है, और मेरा जो सिंक है वो भी मैंने क्लीन कर दिया, और काउंटर टॉप भी साथ ही साथ क्लीन कर दिया, ताकि हमेशा मैं इसी तरह रखती हूँ ना, तो रमज़ान की मुझे इतनी तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मैं वीकली 1 टाइम डीप क्लीनिंग तो करती रहती हूँ, तो इस वजह से मुझे क्लीनिंग का कोई वो नहीं मिलता, तो इतना मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, वीकली 1 टाइम मुझे आदत भी रहती है करने की, और साफ़ सफाई हमेशा भी मेरे किचन में रहती है। कुछ लोग ना रमज़ान में करना पड़ता है, लेकिन मुझे हमेशा क्लीन रहने की वजह से रमज़ान में भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, तो मेरा काम बहुत कम हो गया। तो चलो फ्रिज में रख दिया, 15 मिनट्स के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फिर दिखाऊंगी। यहाँ पे मेरे घर की क्लीनिंग भी साथ ही साथ हो गई है, और टेबल से लेकर बेडरूम तक सब साफ़ सफाई मैंने ऑलरेडी सुबह ही कर दिया था, जैसा बच्चे स्कूल को निकलते हैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, तो काम की आसानी जो है मुझे आराम से हो जाती है। तो अभी वैसे भी हाफ डे है, आ जाता है एग्ज़ाम जैसा ख़त्म हुआ, कभी 12 o'clock कभी 1 o'clock, जैसा एग्ज़ाम ख़त्म होता है ऐसे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने ये सांभर ऑनियन को अच्छी तरह पहले क्लीन करा है, और इसे मैं धूप में रख रही हूँ, 2-4 दिन तक ऐसे ही धूप में रखूँगी, फिर इसे बाद में उठा के हम अंदर स्टोर कर लेंगे, तो ये आराम से लगभग 1.5-2 महीने तक मेरे पास रहेगी, कुछ ख़राब नहीं होनी, इसलिए मैं धूप लगाने के लिए यहाँ पर रख। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करा, फिर डीप ऑयल में इसको मैं जो कबाब था वो वाला फ्राई करने लग गई हूँ, देखिएगा अच्छी तरह फ्राई होएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा बीफ वाला कबाब तैयार हो गया, आप लोगों को पसंद आया गया तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, ताकि उनको ईजी एंड क्विक रेसिपीज मिल जाएँ।
और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर ले बिना बोले, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अच्छा ये वाला, आज ये वाला मैंने लेमन राइस बनाया था। वैसे तो मैंने वो काली मिर्ची का चार बनाया था, बट बच्चे को ना वैक्सीन दिला के तो उनको चार अवॉइड था, वो इमली का जो बनता है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली येलो राइस बनाया। आपके साथ मैंने इसको भी शेयर करा था पहली बार यूट्यूब में। तो ये वाली लंच बनाई है मैंने अपने बच्चे को। तो ये वाला लंच आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।